सीतामढ़ी जिला समरणालय कैंपस से जिला कलेक्टर डीएम रंजीत कुमार सिंह ने कला जद्दा की टीम को हरी झंडी दिखाकर भेजा। जिले के विभिन्न टोले में जिला समर्थ श्री रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के ईवीएम से रिलेटेड या वीवीपैट से रिलेटेड कोई भी भ्रांति हो या पहला जो फर्स्ट वोटर है जिनको पहले कहीं वोट नहीं दिया वो भी या वोट डाल के संतुष्ट हो सकते हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के लिए यह सेंटर खोला गया है और आज से अनवरत रूप से काम करेगी, जिसमें अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से मीडिया बंधुओं के लिए, पोलिटिकल पार्टी के लिए, आम नागरिकों के लिए यह खुला रहेगा, जिसमें वह अपना अपडेशन भी, नाम जोड़ना हो, डिलीशन करना हो, वो भी यहाँ से सेंटर से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से यह समाधान सेंटर भी है जिसमें कि सभी तरह की समस्याओं का निदान किया जाएगा। पंचायत के 710 वार्ड को चिन्हित किया गया है जहाँ पे कला जनता की टीम 7 निश्चय योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी भी देगी, साथ ही जो सामाजिक कुरीति है खासकर दहेज, बाल विवाह और नशाबंदी के ऊपर प्रहार करने और लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोग जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आज मेरी टीम को, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को और मेरे DPRO सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी सीतामढ़ी वासियों को आप लोग अवेयर कर पाएंगे। धन्यवाद। सीतामढ़ी जिला समरणालय में जिला मास्टर ट्रेनर द्वारा वीवीपैट की जांच और जानकारी दी गई, जिसे जिला पदाधिकारी के द्वारा वोट देकर उद्घाटन किया गया। वहीं जिले के सभी पंचायत स्तरीय मास्टर ट्रेनर को जिला मास्टर ट्रेनर के द्वारा जिला मुख्यालय डुमरा के नेहरू भवन में एक दिवसीय परीक्षण दिया गया और ये जानकारी दी गई कि इस बार चुनाव के दौरान सभी बूथों पर वीवीपैट के साथ ईवीएम लगाई जाएगी और हमारा पूरा प्रयास है कि हम 100% मतदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें पूरा विश्वास है हम सफल होंगे।